यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो झज्जर से आ रही है। जिले की अनाज मंडी में रखा गया गेहूं बारिश से भीग गया है और बारिश से आढ़तियों और किसानों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की झज्जर से आपको दे रहे हैं, जहां पर अनाज मंडी में रखा हुआ गेहूं बारिश में भीग गया है, किसानों की फसलों को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। साथ ही आपको बता दें कि आढ़ती और किसान काफी परेशानियों का सामना यहां पर कर रहे हैं। तो आढ़तियों और किसानों ने ट्रांसपोर्टर पर भी आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंडी में उठान न होने के आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खबरें अभी तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहा है। बारिश से आढ़तियों की परेशानियां बढ़ गई हैं, किसानों की फसलों को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है और प्रशासन पर भी कई आरोप किसानों की ओर से लगाए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, खबरें अभी तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जिनमें आप देख सकते हैं कि किसानों का जो गेहूं है वो बारिश में भीग गया है, जिसके चलते भारी दिक्कत का सामना किसानों और आढ़तियों को करना पड़ रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रशासन पर कई आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, क्योंकि पर्याप्त शेड यहां पर नहीं था, व्यवस्था उचित रूप से नहीं की गई थी, जिसके चलते यहां पर खुले आसमान के नीचे गेहूं पड़ा था, जो अब बारिश के बाद भीग गया है। अनाज मंडी के प्रधान नरेंद्र हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी नरेंद्र। हाँ मैडम जी। तो जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है तस्वीरों में, हम देख सकते हैं कि जो गेहूं है किसानों का, वो अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे गिरा था, कोई शेड की व्यवस्था वहां पर नहीं थी, जिसके चलते अब भारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ये मैडम जो आज झज्जर में बारिश हुई है मूसलाधार, जिससे ट्रेडर्स को, किसान को बड़ा भारी नुकसान है। हमने बार बार प्रशासन को अवगत कराया है कि मंडी परिसर में भाई शेड की व्यवस्था और शेड को बढ़ाया जाए, और ट्रेडर से जैसा भी बनाया मान ले सभी की को सुरक्षा कवच तो दिया गया, लेकिन मंडी परिसर का जो स्पेस है, वो जो ग्राउंड है, वो भी झील में है, जिससे मतलब मंडी का सारा पानी उन डेयरियों के अंदर पड़ गया। तो गेहूं आसमान से कम भीज कर नीचे से जो मार हुई है गेहूं की, वो बहुत ज्यादा हुई है जी। हेलो जी नरेंद्र। तो जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाया गया है आढ़तियों और किसानों की ओर से, ट्रांसपोर्टर पर आरोप लगाया गया है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी जो उठान की सुविधा है वो उन्हें नहीं दी गई। ऐसा है मैडम, जिसको ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्टर दिया गया है ना, इसकी वजह से सारी समस्या ये उत्पन्न हुई है। अगर गाड़ी समय पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करा दे तो यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी थी, और ना ही मंडी परिसर में आज अनाज बचना था। ट्रांसपोर्ट से ना तो पहले स्टोरों में अनलोड करने के लिए लेबर की व्यवस्था हुई, और ना ही उससे गाड़ियों की व्यवस्था हुई। और बिल्कुल नरेंद्र, इसी बीच आढ़ती हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू मैडम। तो संदीप, जिस तरीके से आपकी जो फसल है, जो आपकी ओर से खरीदी गई थी, वो अनाज मंडी में यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं नरेंद्र भाई के जो ये बयान है इनसे बिल्कुल सहमत हूँ जी। अगर गवर्नमेंट की जैसे तो पॉलिसी वगैरह, कर्मचारी पॉलिसी वगैरह है, लेबर वगैरह टाइम से अवेलेबल कराते गोदामों में जी, 4-5 दिन तक तो गोदामों में माल उतर ही नहीं पाया जी, गाड़ियां भर के वहां पर 14-14, 15-15 गाड़ियां सुबह से शाम तक 2-2 दिन तक खड़ी रही है जी। अगर वो सुविधा सुचारू रूप से चलती तो ये दिक्कत नहीं आती जी। नरेंद्र भाई ने भी बोला, प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दी गई है कि आपकी ओर से प्रशासनिक अधिकारी से किसी से बात की गई है कि पर्याप्त शेड जो है वो आपको उपलब्ध करवाया जाए? यहाँ सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दे रखी जी, वैसे मौखिक रूप से या वैसे कहने के लिए है जी, वैसे कोई सुविधा नहीं है जी। ग्राउंड के ऊपर कोई सुविधा नहीं दे रखी जी, जो भी दुख पा रहे हैं वो आढ़ती भाई पा रहे हैं, जमींदार भाई पा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं चल रही जी। बिल्कुल संदीप, आपकी ओर से बात की गई प्रशासन के किसी अधिकारी के साथ? ना जी, हमारी कोई प्रशासनिक अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई जी, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी तो दिक्कत और करते हैं जी वहाँ पे, जैसे थोड़ी बहुत किसी जमींदार का हल्का फुल्का नमी वगैरह आ सकता है तो वहाँ पे उसको और भी परेशान करने वाली बात होती है जी।
जी बिल्कुल संदीप, तो अब जिस तरीके से फसल भीग चुकी है, खराब होने का भी कहीं ना कहीं, अब आगे का क्या है, किस तरीके से इस फसल को फिर से उपयोग करने लायक बनाया जाएगा? अभी तो ये लगा लो जी को ज्यादा नुकसान वाली बात है नहीं, क्योंकि अब सभी आठ थी भाइयों के पास प्लॉट वगैरह मौजूद थे, तो प्लॉट वगैरह सब ने ढक रखे थे जी अच्छी तरह से, तो ज्यादा नुकसान वाली बात अभी है नहीं जी। ऊपर की बारिश से नुकसान नहीं है जी, नीचे की बारिश से जो नीचे की व्यवस्था है जी, पानी निकासी की व्यवस्था है जी मंडी में, वो बिल्कुल खराब है। और उसकी वजह से जैसे विशेषकर एक नंबर दुकान पे लगा लो आप, दो नंबर पे लगा लो जी, तीन नंबर पे लगा लो, जो नीचे वाले ग्राउंड के पास में जो दुकानें हैं उन पर जबरदस्त नुकसान हो रहा है जी। और अभी ज्यादा इतना नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे कि थोड़ी हवा लगने के बाद में सुचारू रूप से इसका उठान करवा देवे तो ज्यादा नुकसान वाली बात अभी है नहीं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता सुमित कुमार झज्जर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी आपको बता दें कि बारिश से सारा अनाज मंडी में गेहूं भीग गया है और व्यवस्था की कोई इंतजाम नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी अब तक कोई देखने के लिए नहीं आया है जी। और आड़ती और किसान उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रांसपोर्टर की कमी है, ट्रांसपोर्टर महेंद्र पाल है, उन्होंने समय पर उठान नहीं किया, इसके ही कारण सारा अनाज भीगा है और सारे आरोप उसी पे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही सेक्टर 9 स्थित सरसों की मंडी चली हुई है, उसमें व्यवस्थाओं पर बिल्कुल ही कोई व्यवस्था नहीं है। किसान और आड़ती जंगल के ढेर में बैठा है और सारा कई सारी सिरसू वहाँ भी बिकी हुई है, वहाँ बहुत भारी नुकसान है सिरसू का, जिसमें देखते हुए ना तो पानी की व्यवस्था, ना बैठने की व्यवस्था है, ना ही उठान की व्यवस्था है। उसमें भी ट्रांसपोर्टर महेंद्र पाल है, उसमें भी उन्हीं को उठान करना था, लेकिन वहाँ पे भी ये जब भी आड़ती बोलते हैं कि हमारा अनाज है ये उठा दिया जाए, वो कोई जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं उनकी तरफ से, तो उनकी सारी व्यवस्था का ही कारण रहा है। तो इसमें प्रशासनिक अधिकारी से भी इनसे बातचीत की गई थी, तो उसमें भी कोई व्यवस्था पर ठीक तरह से कोई देखा नहीं गया, प्रशासनिक अधिकारी किसी मदद की हो किसी प्रकार की। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित कुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो ट्रांसपोर्टरों पर आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों की ओर से, आड़तियों की ओर से, कि उचित व्यवस्था जो है वो मंडी में नहीं की गई, जिसके चलते अब उनका अनाज जो है गेहूं खराब होने की कगार पर पहुंच गया है।